कानूनी बातें, कानूनी दांव पेच, न्याय से जुड़े कई सवाल, कानूनी जानकारियां जो देश के हर नागरिक को जानना है जरूरी। देखिए कानून से जुड़ा एसटीएन का खास कार्यक्रम इंसाफ, मेरे यानी डॉक्टर नशरा खान चौधरी के साथ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एसटीएन की बहुत ही खास पेशकश इंसाफ में। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के जरिए हम बात करते हैं कानून की, वो कानून जो हमारे लिए बने हैं, हमारे देश में हमारे लिए क्या कानून है, इसी की चर्चा हम करते हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने वाले हैं जुविनाइल जस्टिस की, यानी कि किशोरों से जुड़ा हुआ कानून की। तो किशोर कौन होता है, वो किस तरह का कार्य कर सकता है, अगर किशोर अपराधी है तो उसे किस तरह की सज़ा होती है, उसके साथ साथ क्या कानून जुड़ा हुआ है, इस पर विस्तार से आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी, जो कि सदस्य स्थायी लोक अदालत भी हैं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सीधा रुख करते हैं उन्हीं की ओर। सर, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, हम जिस तरह से आज बात कर रहे हैं किशोर की, बच्चे मासूम बच्चे होते हैं और एक फूल की तरह बच्चों को माना जाता है, लेकिन किशोर आखिर है क्या? जैसे कि हम कहें कि नाबालिग की हम बात करें तो वो कानून की नज़र से हम देखें तो उन्हें किस कैटेगरी में रखा गया है, किसे हम कह सकते हैं कि ये नाबालिग है, किशोर है? देखिए, पूरी दुनिया में एक प्रश्न पैदा हुआ और अभी नहीं, पुराना प्रश्न है कि, और सब इस बात को मान चुके हैं कि अगर बच्चों पर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से हम सबको उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। हाँ, देश का यूँ कह दीजिए, अगर आज के पर्सपेक्टिव में बात करें, दुनिया का भविष्य बच्चे ही हैं, कि दुनिया के अंदर अमन चैन डेवलपमेंट जो है उसका आधार बच्चा है। अगर आज का बच्चा अगर सही तरीके से उसकी परवरिश की जाती है तो वो दुनिया के लिए एक यूजफुल एसेट बनेगा, और अगर नहीं की जाती तो दुनिया के लिए वही बच्चा भार बन सकता है, कि मे बी एक क्रिमिनल, वो सोसाइटी पर एक भार बन सकता है। तो इसलिए बच्चों पर वर्तमान में बहुत ज़्यादा ध्यान विश्व स्तर पर दिया जाने लगा। जी, सबसे पहले तो किशोर का ही हम जानना चाह रहे थे कि किशोर को कानूनी तौर पे किसे किशोर को माना गया है। देखिए, अभी जो इस समय जो वर्तमान कानून है, या कह सकते हैं जो लेटेस्ट कानून आया, जे एक्ट के नाम से उसको शॉर्ट में बोला जाता है, कि जस्टिस एक्ट 2015 में, तो उसमें बच्चे के लिए, बच्चे पर कैसे ध्यान दिया जाए, ये सारी बातों के इर्द गिर्द वो सारा कानून घूमता है। और वो उसमें जो उम्र बताई गई है बच्चे की, वो 18 वर्ष बताई गई। हाँ, किशोर का मतलब है कि एक ऐसा बालक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। 18 वर्ष होते ही वो इस कानून की उससे परव्यू से बाहर चला, यानी कि जो 18 वर्ष से कम का है वो इस कानून के पर शामिल, वो इसमें शिरकत करता है। तो किशोर का तो आपने बता दिया, लेकिन हम देखें बदलते परिवेश में उम्र से पहले ही बच्चे किशोर की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। अब ऐसा किशोर जो कि नाबालिग तो है ही, लेकिन उसने एक्ट ऐसा किया है, ऐसा क्राइम कर दिया जो कि बड़ों की कैटेगरी में आता है, जी हाँ जी, तो उसके लिए किस तरह की सज़ा? देखिए, काफ़ी ये इस कानून में, इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं चाहूँगा कि इस कानून के बारे में कुछ ख़ास बातें मैं आपको बताऊं कि ये कानून किस तरह से, जिस क्या ज़रूरत पड़ी, किस लक्ष्य को लेकर ये कानून बनाया गया, या इससे पहले भी कोई कानून थे क्या हमारे देश में? तो 1986 में चिल्ड्रंस एक्ट था, फिर विश्व स्तर पर UNO की भी कई इसमें कॉन्फ्रेंसेज हुई। 1990 के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट वो लोग इकट्ठा हुए UNO में और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने एक तरह का एग्रीमेंट किया आपस में, तो भारत भी एक सिग्नेटरी था उसमें, तो उसके आधार पर 2000 के अंदर एक कानून आया। अच्छा। जुविनाइल जस्टिस एक्ट के नाम से था 2000 में। फिर
उसमें भी ये पाया गया कि शायद उन सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है, तो कुछ 2006 में उसमें अमेंडमेंट आए, 2011 में अमेंडमेंट आए, और अल्टीमेटली 2015 के अंदर ये जिस एक्ट पर आज हम बात करेंगे वो एक्ट आया 2015 में, और जनवरी 16 से उसको लागू कर दिया गया। तो इसमें 18 वर्ष उन्होंने बच्चे की मतलब एक किशोर की उम्र को रखा गया, और इसमें एक क्लासिफिकेशन दिया गया। इससे पहले भी हालांकि वो क्लासिफिकेशन पहले भी आ चुका था, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा विस्तार से उसको बताया। सोसाइटी में दो तरीके के बच्चे, एक बच्चों का ग्रुप वो है चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, एक ऐसे बच्चे जो कानून की खिलाफत कर चुके हैं, कानून से संघर्ष कर चुके हैं, मतलब वो बच्चे जो कोई अपराध कर चुके हैं, चोरी कर ली, डकैती कर ली, रेप कर दिया उन्होंने, ये मार पिटाई कर दी, हाँ, जो हमारा आपराधिक कानून है, जिस आपराधिक कानून में जिस चीज़ को अपराध के रूप में लिखा गया है वो ऐसा कोई कार्य कर चुके हैं, तो एक कैटेगरी तो ऐसे बच्चे चाइल्ड हु कन्फ्लिक्ट इन लॉ, और दूसरा बच्चा चाइल्ड हु नीड्स केयर एंड प्रोटेक्शन, कि ऐसे बच्चे जिनको देखभाल की आवश्यकता है, अगर उनकी आज देखभाल नहीं की गई तो कल वो भी क्रिमिनल बन सकते हैं और सोसाइटी पर भार बन सकते। तो एक बड़ा क्लासिफिकेशन इसमें दिया गया, दो तरह के बच्चों के ग्रुप तो इसमें, जो कि ऑलरेडी कुछ अपराध कर चुके हैं, वो जिन्हें की संरक्षण की जरूरत है, कुछ इस तरह की लाड़ प्यार की उन्हें जरूरत है जिससे कि वो वंचित हैं, और अगर उस समय पे नहीं मिला तो हो सकता है वो इस तरह की दिशा तैयार कर लें कि वो क्रिमिनल बन जाए, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस कानून को आगे बढ़ाया गया। और एक चीज़ और है कि हम सब भी मानते हैं और ये कानून भी मानता है कि बहुत से बच्चों से अपराध कराया जाता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, बच्चा ये समझ नहीं पाता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये ठीक है या गलत है, वो क्राइम है उसकी नज़र में, वो क्राइम नहीं है, वो अपने एक नॉर्मल रूटीन के अंदर उस काम को कर देता है। तो बच्चों से जो ट्रीटमेंट किया जाए किसी भी स्थिति में, चाहे उन्होंने अपराध किया है या कोई गलत काम किया है या नहीं किया, उनसे वो वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए जो कि एक हम एडल्ट क्रिमिनल से करते हैं। उसे जेल में नहीं डाला जाएगा, उसके साथ बदतमीजी से पेश नहीं आया जाएगा, उसके साथ कोई क्रूरता नहीं की जाएगी, उसको डराया नहीं धमकाया जाएगा, उसको एक फ्रेंडली चाइल्ड फ्रेंडली ट्रीटमेंट इस कानून में कहा गया है कि उससे किसी भी स्थिति में चाइल्ड फ्रेंडली ट्रीटमेंट किया जाएगा। पुलिस वालों के लिए भी हिदायत है कि वो सामान्य ड्रेस के अंदर, पुलिस की ड्रेस में, क्योंकि पुलिस से तो बच्चा बचपन से डराते हैं, बच्चा जब गोद में होता है रोता है तो माँ उसको कई बार डराती है, पुलिस आ जाएगी, तो बच्चे के दिमाग में बचपन से एक डर पैदा होता है। तो ऐसी कोई तो जब जुवेनाइल पुलिस का प्रावधान भी इसमें है कि पुलिस वाले स्पेशल तरीके से उस बच्चे से ट्रीटमेंट करेंगे, बेशक उससे अपराध हो गया, लेकिन उसमें उसका कोई बहुत बड़ा कसूर नहीं मानता ये कानून कि उससे अपराध तो हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब इसके पूरे जीवन को हम खराब कर दें। तो एक तो है, तो वो बच्चे जिन्होंने कोई अपराध कर लिया है उनके लिए एक संस्था बनाई गई, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जिसको हम कोर्ट भी कह सकते हैं एक तरह से। वो बोर्ड, वो तीन लोगों का उसमें बैठना होता है, एक तो जुडिशरी का प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होता है उसमें, और दो समाज के मेंबर्स होते हैं जिसमें से एक महिला होती है, एक महिला होना अनिवार्य। तीन सदस्यों का बोर्ड होता है और इनकी बैठक होती है रेगुलर, तकरीबन कम से कम 20 बैठक। हमारे शहर में भी ये सुविधा है और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कम से कम एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई अपराध कर दिया उनका ट्रीटमेंट, या हाँ समझाइश भी होती है, अगर आवश्यकता है तो उनको किसी तरह का सुधार गृह में भेजा जाए, ये है, उनके पेरेंट्स को वार्निंग दी जाए, उनको वार्निंग दे के छोड़ा जा सकता है, या कोई समयबद्ध तरीके से साल भर के लिए, 6 महीने के लिए इनको किसी पर्टिकुलर सुधार गृह में रखा जाए बच्चों को, तो इनको जेल में नहीं भेजकर, क्योंकि उसमें सुधार की गुंजाइश है। वो एक ऐसा पौधा है कि ठीक है कि वो किसी कारण से गड़बड़ हुई, लेकिन उसको अगर सही तरीके से हम प्लांट कर देंगे तो वो वापस से और सोसाइटी के लिए यूज़फुल मेंबर भी, क्योंकि उसकी अभी शुरुआत है। तो इस तरीके से वो बोर्ड में बोर्ड ट्रीटमेंट करता है, बोर्ड में इसकी वो जमानत की अगर आवश्यकता है तो बोर्ड ही इस बात को देखेगा कि इसको जमानत पे छोड़ा जाए, या क्योंकि उनकी जमानत तो ली ही जाएगी बालक की, लेकिन वो उसके नुकसान में, मान लीजिए बच्चे की जमानत लेना बच्चे के लिए अगर नुकसानदायक है
कि सब उसको ऐसा गैंग है वो अपने साथ ले जाए, या गैंग उसको और डरा बहला फुसला के कुछ से गलत काम ले ले, तो उसको जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। तो जमानत सिर्फ कब मना की जा सकती है, एक बालक को, एक किशोर को, जो कि उसकी उसके विरोध में पड़ रही है, उससे उसको नुकसान होने का डर है, तो उस स्थिति में उसकी जन, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको 3 साल के लिए सुधार गृह में, जिसको हम पनिशमेंट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर उसको कोई सीख देने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, तो उसको 3 साल तक का एक ये ऐसे स्थान पे भेजा जा सकता है जहाँ वो 3 साल तक पढ़ाई लिखाई भी होगी, उसका डेवलपमेंट भी होगा, और वहाँ कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा, तो हाँ भुलाने की, उसको डिसकनेक्ट किया जाए उस परिस्थिति से जिस परिस्थिति में वो रहकर अपराधी बना। दूसरा ग्रुप है ऐसे बालकों का कि हु नीड्स केयर एंड प्रोटेक्शन। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ऐसा बालक कौन है जिसको जो इस कैटेगरी में आता है, हु नीड्स केयर एंड प्रोटेक्शन। तो ऐसे बालक जिनके मदर फादर नहीं है, जो अनाथ बच्चे, अनाथ हैं, या मदर फादर हैं तो वो इस स्थिति में ही नहीं है जिसका लालन, वो खुद शराब के नशे में पड़े रहते हैं, खुद लड़ते हैं भिड़ते हैं, सड़क पर ही बच्चा सो रहा है, उनको ध्यान ही नहीं रहता, बाढ़ आ गई, बाढ़ के कारण बच्चे अनाथ हो गए, ऐसे कहीं कोई क्रिमिनल के साथ कोई बच्चे का साथ हो गया है, है ना, और किसी बच्चे को गलत तरीके से यूज़ कर लिया गया, बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूजमेंट हो गया है, तो इस तरीके, और ऐसे बच्चे भी एक और नया एडिशन जोड़ा गया कि ऐसे बच्चे जिनके बाल विवाह होने का आसन्न संकट है, इमीडिएट संकट है, कि अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो इनका चाइल्ड मैरिज कर दी जाएगी बच्चों की, तो ऐसे बच्चे भी इस कैटेगरी में आते हैं। 12 कैटेगरी मोटे मोटे रूप से बताई गई इस एक्ट में कि जो जिसमें ये बच्चे आते हैं, उसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन 12 कैटेगरी तो मोटे मोटी बताई गई हैं कि इस तरीके के बच्चे जो हु नीड्स केयर एंड प्रोटेक्शन, बच्चे को सड़क पर छोड़ गया कोई, पेरेंट्स भाग गए, हाँ फादर की डेथ हो गई और मदर ने किसी से शादी कर ली, अब वो जो नया फादर है या जो दूसरा फादर है उसका, वो उसके साथ इल ट्रीटमेंट करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या बच्चे को वहाँ घर में कंट, क्योंकि इल ट्रीटमेंट में बच्चा पनप ही नहीं सकता, उसका जो पर्सनैलिटी का विकास होगा प्रॉपर नहीं होगा, और वो फिर खुद क्रिमिनल बन सकता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों पर, तो ऐसे बच्चों को ट्रीट करने के लिए हु नीड्स केयर एंड प्रोटेक्शन एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, एक तरफ तो जे जे बोर्ड में वो बच्चे जिन्होंने अपराध कर लिया, एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जिसका मैं भी मेंबर रहा पहले, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एक बनाई गई कि उसमें 5 मेंबर्स होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, 4 मेंबर्स और, उसमें भी एक महिला का होना आवश्यक है। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ऐसे बच्चों के लिए फैसला लेती है कि ऐसे कोई ऐसा बच्चा लाया जाता है, मान लीजिए स्टेशन पर सोता हुआ कोई बच्चा मिल गया, अब पुलिस को या वहाँ का जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है वो उस बच्चे को देखता, मालूम करता है, उसका कोई अता पता नहीं, तो वो उस बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास ले, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी फिर फैसला लेगी कि इस बच्चे का क्या किया जाए। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रंस होम बने हुए हैं, प्राइवेट एनजीओज भी हैं जिनका सरकार में रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पर इस तरह के बच्चों को रखा जाता है। ऐसा भी कई बार होता है कि अनवेड मदर्स होती हैं, बच्चा पैदा हुआ और उसको झाड़ी के अंदर चली गई, अब वो 1 दिन का 2 दिन का बच्चा जो है, अब ऐसा बच्चा भी अगर कहीं मिलता है तो उसे, हालांकि अब जगह कई जगह सरकारी तौर पे भी पालना गृह की स्थापना हो गई है कि भाई आप अपने बच्चे को इस तो आप उसमें छोड़ जाइए, लेकिन वो अब धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी जब की बात है, लेकिन अभी भी हम आए दिन कई बार पढ़ते हैं कि बच्चे ऐसी जगह पर मिलते हैं, अब उस बच्चे को उठाकर चाइल्ड वेलफेयर समिति के सामने पेश किया जाता है। तो इस तरह का कोई भी बच्चा, ये जो बच्चे हैं इनको फिर अडॉप्ट भी कर लिया जाता, हाँ है। उसके बारे में भी अपन बात करेंगे कि इन बच्चों का अडॉप्शन कैसे होता है। ऐसे भी बच्चे कि जो पेरेंट्स हैं गरीबी में, इतनी गरीबी की स्थिति है, मान लीजिए फादर के या मदर के कोई ऐसी बीमारी है वो पालने में असमर्थ है, तो वो भी अपने बच्चे को लाकर वहाँ पर सरेंडर कर सकते हैं, बाल कल्याण समिति के सामने उस बच्चे को लाया जाएगा और वो उसको सरेंडर कर सकते। किसी लड़की के मतलब कोई है, अब कई जगह हम दुर्भाग्यशाली स्थिति देखते हैं, अब 3-4 बच्चे हो गए, 3-4 लड़कियां हो गई, अब वो उसके साथ इल ट्रीटमेंट होता है घर के अंदर, तो वो अपनी बच्ची को वहाँ पर छोड़ सकती है, तो सरेंडर कर सकती है। तो सरेंडर का भी एक प्रोसीजर है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने बच्चे को
का लालन पालन नहीं कर सकता, वो बाल कल्याण समिति के पास आएगा और अपनी स्थिति बताएगा, सब इस स्थिति में इस बच्चे को नहीं परवरिश कर सकते हम, तो फादर बहुत ज़्यादा बीमार है, मदर भी बीमार रहती है, अब उस बच्चे का लालन पालन कैसे, तो उसका तरीका क्या है कि वो एक बाल कल्याण समिति उनको हियरिंग देती है, सुनती है, अगर वो उचित मानते हैं कि बालक ये ठीक कह रहा है तो वो उस बालक को वहाँ पर सरेंडर कर दिया जाता है। एक जैसे सरेंडर का मैं तरीका बता रहा था कि सरेंडर डीड लिख दी जाती है और 2 महीने का टाइम दिया जाता है पेरेंट्स को, अच्छा, कि 2 महीने में उनका वो जाग जाए वापस, हाँ विचार बदल जाए, तो वो 2 महीने बाद उस बालक को वापस लेने आ जाते हैं, आ सकते हैं 2 महीने बाद, और अगर वो नहीं आते हैं 2 महीने के अंदर अगर नहीं आए तो फिर वो दोबारा से, हाँ तो फिर बच्चे को लीगल नहीं कर सकते, फिर वो प्राप्त नहीं कर सकते, फिर उसको बच्चे को मान लीजिए बच्चा छोटा है, अगर 6 साल से छोटा है तो एडॉप्शन एजेंसीज के पास उस बच्चे को भेज दिया जाता है, अन्यथा वो बच्चे को बाल गृहों में रख दिया जाता है और वहाँ बच्चा उसकी स्कूलिंग और उसका खाना पीना हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखा जाता है, वहाँ डेवलप करता है, 18 साल तक स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है और वो बच्चा वहाँ 6 साल से छूटा है तो उसमें गुंजाइश रहती है उसके एडॉप्शन की, तो उसके लिए वो जो 6 साल से बड़े उम्र के बच्चे का एडॉप्शन नहीं है, हाँ इस एक्ट के तहत अभी वो बोलिए, हाँ क्योंकि देखिए है तरीके हैं, लेकिन जो इसमें जो प्रावधान वो दे रखा है कि 6 साल के बालक, तो हाँ क्योंकि बच्चे का एक बेंट ऑफ माइंड हो जाता है ना, वो किसी को पेरेंट्स मानने से, तो इसलिए तो एक्ट में है और कानूनों में भी है कि अपने जैसे हिंदू अडॉप्शन एक्ट है उसमें 15 साल तक की एज रखी गई, 15 साल तक का बच्चा अडॉप्शन में दिया जा सकता है, तो इसमें जो व्यवस्था की गई 6 साल तक के बच्चे को भेजा जाता है स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी में, और 6 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको चिल्ड्रन होम में भेज दिया जाता है, अडॉप्शन एजेंसी के अंदर बच्चे को भेज तो 2 महीने, फिर वो जो अडॉप्शन एजेंसी तो 2 महीने का पीरियड वो निकल गया इंटरवेनिंग पीरियड, मतलब जिसमें पेरेंट्स को इंतज़ार करने का टाइम, या तो 2 महीने में वापस आ सकते हैं और अगर वो सेटिस्फाई कर दें कि साहब अब मेरी नौकरी लग गई है, मेरी सेहत ठीक है, और बाल कल्याण समिति उसको वापस कर सकती है, अन्यथा उसको फिर वो लीगली फ्री कर देंगे फॉर अडॉप्शन। फिर अडॉप्शन की एक नया सिस्टम है हमारा, वो एक कैरा के थ्रू होता है, एक अडॉप्शन एजेंसी बना दी गई नेशनल लेवल के ऊपर, सेंट्रल अडॉप्शन उस रेगुलेट एजेंसी जो है, अच्छा, उसमें भेज दिया जाता है उस बच्चे का फ़ोटो और उसकी डिटेल्स। अब प्रोसेस क्या है हमारे यहाँ पर अडॉप्शन का, कि अगर मान लीजिए मैं कोई अडॉप्शन चाहता हूँ और इस एक्ट के तहत अडॉप्शन चाहता हूँ तो मुझे कायरा में ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, अच्छा। मैं बताऊँगा था मैं लड़का चाहता हूँ लड़की चाहता हूँ कैसे कलर अपना थोड़ा स्पेसिफिकेशन उसके अंदर थोड़ा बता, हाँ मुझे इस तरह का बच्चा इस तरह का, तो जहाँ पर भी पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि कायरा में तो सारे पूरे हिंदुस्तान के बच्चे उसमें हैं, लिंक है, हाँ लिंक है, तो वो आपको भेज देंगे कि ये बच्चा फला जगह पर अवेलेबल है, केरल में अवेलेबल है, मद्रास में अवेलेबल है, बेंगलोर में अवेलेबल है, जयपुर में अवेलेबल है, यू गो देयर एंड इस पर्टिकुलर जगह पर आप उस बच्चे को देख लें, इफ़ यू फाइंड आपको अगर ठीक लगता है तो फिर चिल्ड्रन कोर्ट का मतलब है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जो कोर्ट है वो है, वहाँ पर फिर उसकी सारी फॉर्मेलिटीज होती है अडॉप्शन की, कोर्ट देखेगी जो अडॉप्शन करने वाले लोग हैं उनकी कैपेसिटी भी है या नहीं, हाँ। या उनका इंटेंशन तो सही है नहीं, हाँ। कि कहीं वो बच्चों को बेचने के लिए या कहीं हाँ बाल किसी गलत काम के लिए, हाँ हाँ घर के अंदर बच्चा काम करता रहेगा, ये कोई और उनकी खुद की कैपेसिटी क्या है, खुद की सेहत क्या है, खुद की एज क्या है, वो ये देखेंगे कि बच्चे के वेलफेयर में रहेगा या नहीं रहेगा कि बच्चे को इनको एडॉप्शन, क्योंकि बच्चा अगर फैमिली में रहता है तो सबसे अच्छा डेवलपमेंट उसका वहाँ होता है, खुद की फैमिली अगर खुद की फैमिली इस लायक नहीं तो दूसरे की फैमिली, और बच्चे को ही फैमिली की ज़रूरत नहीं है, फैमिली को भी बच्चे की ज़रूरत होती है, इट इज़ रेसिप्रोकल, दोनों चीज़ें, कि एक परिवार के अंदर एक वातावरण कितना बदलता है अगर छोटा बच्चा परिवार के अंदर होता है, तो इस कारण इन सोच को आगे बढ़ाया गया और इस तरीके से अगर अडॉप्शन की सारी फॉर्मेलिटीज ठीक होती हैं तो सब कुछ कोर्ट उचित मानती तो कोर्ट फिर अडॉप्शन का आदेश कर देती है और बच्चा अडॉप्ट कर लिया जाता और अडॉप्शन में फिर वो लीगली सारे राइट्स उस फैमिली में उसको मिल जाते हैं बच्चे को। एक हमारे यहाँ फॉस्टर केयर का भी एक कंसेप्ट है इसी में कि कोई व्यक्ति किसी आता है मान लीजिए चिल्ड्रन होम में बच्चे को आया, अब एक बच्चा उनको वो फॉस्टर केयर में उसको ले जाते हैं कि मतलब हम इसका लालन पालन करेंगे,
साल भर के लिए दे दिया, 6 महीने के लिए दे दिया, साल भर बच्चा फॉस्टर केयर में रह, उस परिवार में जाकर रह रहा है, चिल्ड्रन होम से वो कहाँ चला गया, उस परिवार, परिवार वाले उसको रख रहे हैं, खिलाना पिलाना, स्कूलिंग, ये वो, दैट इज़ फॉस्टर केयर। और फॉस्टर केयर के आगे का जो कंसेप्ट है वो है एडॉप्शन। तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ? फॉस्टर केयर में बच्चे का न तो उस परिवार में कोई अधिकार बनता है, सिर्फ एक परिवार के साथ रह रहा है, उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही, हाँ, लीगली कुछ नहीं, लेकिन इफ़ अ चाइल्ड इज़ अडॉप्टेड इन ए पर्टिकुलर फैमिली तो फिर उसको उसको सारे अधिकार उसमें ऐसे मिल जाते हैं जैसे एक नेचुरल बॉर्न बच्चे के अधिकार होते हैं ना, उस तरीके के अधिकार एक दूसरे पर उनको मिल जाते हैं उस तरीके। तो ये एक हाँ, ये अडॉप्शन का तरीका है इसके अंतर्गत। अब हम अगर आगे बढ़ रहे हैं, बात करें बाल मजदूरी, हम भी कई बार देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि किसी शॉप पे हम गए हैं, कहीं हम कुछ ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, वहाँ पर छोटे बच्चे से काम कराया जा रहा है, काम कराया जा रहा है, उठा रहे हैं वो, बिल्कुल। तो ये सब कुछ देखते हुए क्या हम भी अपराध में शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल शामिल हो रहे हैं। होता क्या है कि इस एक्ट में भी प्रावधान है और अलग से भी बना हुआ एक्ट उसका, और इसको काफ़ी बड़ा अपराध उन्होंने मान लिया है कि अगर कोई बच्चे से मैं काम कराऊंगा, 18 साल से छोटा बच्चा है, तो आई एम क्रिमिनली लायबल ऑल्सो, है ना, मेरे पर 5 लाख रुपए तक का मुझ पर दंड दिया जा सकता है, मुझ पर दंड लगाया जा सकता है और इसमें मुझे सजा भी हो सकती है उस स्थिति के अंदर। तो जब भी मैं अपने साथियों को और सुनने वालों को ये कहना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है, वेलफेयर में बच्चे को रख लेते हैं, ऐसा होता है, क्योंकि जब भी चाइल्ड वेलफेयर समिति में जब मैं था, लोग इस तरह के लोग आते थे तो कहते साहब हमने तो इस बच्चे के भले के लिए रख लिया था, 15 साल का बच्चा है, हम इसको इस पढ़ाते भी हैं, लिखाते भी, अब घर का काम भी करता है, झाड़ू पोछा सब कर रहा है, हाँ। तो हम तो इसके भले के लिए हमने रखा था इस बच्चे को। तो अब स्थिति, क्यों कानून ने इसको मना कर दिया, और कानून ने अगर मना कर दिया तो फिर उसमें ही नहीं, आपने चाहे किसी भी पर्पज़ से रखो, आपका अगर इंटेंशन बिल्कुल ईमानदारी से है तो भी ऑफेंस तो है ही। मैं चोरी करता हूँ और मैंने सब चोरी इसलिए की कि मुझे एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना था, एक मैंने चोरी इसलिए की कि मैंने शराब पीनी थी, दोनों है तो चोरी, तो मुझे एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना था इसलिए मैंने चोरी की, तो कोर्ट माफ़ नहीं करेगी मुझे, चोरी की परिभाषा में ये नहीं, अपराध तो वही है, बस उसमें सजा की जो मात्रा है उसमें फ़र्क हो, वहाँ को उस चोरी में सरकार कोर्ट मुझे डांट डपट के या एक दिन की सजा दे सकती, 2 दिन की, चलो आइंदा ऐसा मत करना, शराब पीने के लिए चोरी की तो मुझे 6 महीने तक की सज़ा हो सकती, जो सज़ा की मात्रा में फ़र्क हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो अपराध ही नहीं है। तो इसलिए यही राय है कि जैसे जब भी किसी बच्चे को आप एम्प्लॉय करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसका एज सर्टिफिकेट ज़रूर दें, उसका एज का वेरीफाई, कई बच्चे होते हैं बाहर से आते हैं, जैसे यहाँ अपने हॉस्टल्स के अंदर बच्चे बहुत काम है, मैस के अंदर काम, मैस के बच्चे बहुत पकड़ के हमारी उसमें आते थे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में, अब वो कहते सब हमें तो इन्होंने 18 साल बताई थी, तो दिस इज़ नॉट सब, दिस इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, रखने वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो, हाँ, कि अगर वो किसी बच्चे को कार्य के लिए रख रहे हैं, कहीं भी घर में रखें और अपने ऑफिस में रखें, एज प्रूफ देख लें, हाँ, हाँ, बाद में आपको ये चीज़ नहीं बचाएगी कि साहब इसने हमको तो 18 साल बताया था या इसके फादर ने 18 साल, हाँ, यू मस्ट हैव एन ऑथेंटिक एज प्रूफ इन दैट वे। एक आपने प्रश्न पूछा था कि वो नाबालिग अगर कोई ऐसा अपराध करता है जो की श्रेणी में, हाँ, आता है, ऐसी बातें बहुत आने लगी कि बच्चे का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो सोशल मीडिया से भी एक्सपोज, हाँ, निर्भया कांड, बिल्कुल ठीक, निर्भया कांड एक ऐसी तरह की हादसा हुआ था जिसने, हाँ, पूरे देश को झकझोर के, पूरे देश को झकझोर के रख दिया था, और उसमें एक नाबालिग शामिल, नाबालिग भी, अभी कोटा में भी एक डॉक्टर सिंघवी की पत्नी को मारा बच्चों ने, जिसमें उस मकान में जो बच्चे रहते थे उन्होंने वो टोकती थी, हाँ, उनको खेलने के लिए ने वो टोकती थी, वो पढ़ाई लिखाई ने अपने रह तो रहे थे पढ़ने के लिए, हाँ, कोचिंग सेंटर्स में, और वो इस तरह कुछ वो करते थे, तो उसको, उस महिला को उन्होंने रात में मारपीट, मतलब बेल्ट से गला घोट कर मार दिया और उन्हीं की गाड़ी में सामान लेके भाग गए, वो सब जुवेनाइल्स थे, हैं, तो ऐसा सोच आया भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हम अननेसेसरी फेवर हो रहा है जुवेनाइल्स को, तो हालांकि क्योंकि ये इंटरनेशनल एज है, 18 साल जो है हमारी इंटरनेशनल ट्रीटीज से तय की, तो इसमें तो रद्द हो, लेकिन इस एक्ट में एक चेंज आया, इसमें ये आया कि भाई
तीन ग्रुप बना दिए इन्होंने ऑफेंसेस के। अच्छा। एक तो छोटा ऑफेंस, पेटी ऑफेंस इंग्लिश में अपन कहते हैं, अपराध की कैटेगरीज बना दी इसमें, छोटा ऑफेंस एक जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पेटी ऑफेंस, फिर एक सीरियस ऑफेंस गंभीर अपराध, तो छोटा अपराध, गंभीर अपराध और एक जघन्य अपराध हीनियस ऑफेंस, तीन कैटेगरीज इस एक्ट में दे दी गई। तो छोटा अपराध, सीरियस ऑफेंस और जघन्य। छोटा अपराध तो वो जिसमें 3 साल से कम की सज़ा है, ऐसा वो कोई अपराध करता है जिसमें 3 साल से कम की सज़ा। सीरियस ऑफेंस वो है जिसमें 3 साल से 7 साल तक की सज़ा है, वो गंभीर अपराध की श्रेणी में। और 7 साल से जिसमें कम से कम 7 साल की सज़ा हो या उससे ज़्यादा की सज़ा हो और ऐसा उसने कोई अपराध किया है तो वो उसको जघन्य अपराध या हीनियस ऑफेंस माना गया। तो बच्चा सीरियस ऑफेंस, पेटी ऑफेंस करता है, सीरियस ऑफेंस करता है या जघन्य अपराध करता है, उसका ट्रीटमेंट बच्चे की जैसे होगा, एक नियम तो ये बन गया। लेकिन 16 से 18 साल का अगर बच्चे की एज है, 16 से 18 साल के बीच का बच्चा है, लगभग बालिग होने की उम्र में है वो, हाँ 16 से 18, 16 से पहले अगर वो कितना ही हीनियस ऑफेंस कर दे तो उसका ट्रीटमेंट बच्चे की जैसे ही होगा, उसका ट्रायल जो चलेगा वो जे बोर्ड में ही चलेगा, एडल्ट, हाँ 16 से कम है और 16 से 18 है और उसने ऑफेंस कौन सा किया है, जघन्य अपराध जो हाईएस्ट कैटेगरी जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सजा है, तो उसके बारे में एक विचार किया जाएगा। तो जे बोर्ड एक इन्वेस्टिगेशन करेगा, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगा कि पहली चीज़ इस बच्चे की उम्र 16 से 18 के बीच में, दूसरी चीज़ इस बच्चे ने जघन्य अपराध किया हो मतलब जिसमें 7 साल के, और बच्चे की मानसिकता बिल्कुल ये उस ऑफेंस की नेचर को समझता था, इस जानबूझ के समझ, इसकी अंडरस्टैंडिंग पूरी मैच्योर हो चुकी है, पूरी मैच्योर हो चुकी है और वो उस अपराध के बारे में पूरा जागरूक था और जागरूक रहकर इसने ऑफेंस किया, तो अगर वो ऐसी रिपोर्ट करता है तो उस 16 से 18 साल के बच्चे का उस ऑफेंस का ट्रायल अडल्ट ट्रायल हो गया, वो जैसे बालिक का ट्रायल हो रहा है उसी प्रकार, बस उसी प्रकार की उसकी उसमें उसको सजा भी हो सकती है। हालांकि डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो नहीं दिया जा सकता इन बच्चों को भी, लेकिन जैसे यहाँ तो सिर्फ उसको सुधार गृह में ही भेजा जा सकता है अगर चाइल्ड उसको माना जाएगा तो, लेकिन इन ऑफ अगर जघन्य अपराध है तो उसे एडल्ट ट्रायल के रूप में उसका ट्रायल हो सकता है और उस कोर्ट में होगा जहाँ एडल्ट ट्रायल होते हैं। ट्रायल, हाँ हाँ, अगर उसने अगर ये कंडीशन और जे बोर्ड ने, जे बोर्ड ने इस बात को मान लिया कि इसने ऑफेंस, इसकी मेंटल मैच्योरिटी इतनी थी, क्योंकि मेंटल मैच्योरिटी तो हर बच्चे की अलग अलग, मेरे कमरे में मान लीजिए 5 साल का बच्चा आता है और 2000 रुपये का नोट है, दो बच्चे आते हैं और दोनों 2000 रुपये के नोट लगे, एक ने तो क्या किया अपनी कॉपी पर चिपका लिया, उसको नाम लिख लिया अपने स्कूल का नाम और एक उसको जाकर बाजार में खर्च रहा है, तो दोनों की उम्र तो 5 साल है लेकिन एक की मैच्योरिटी इतनी ही अंडरस्टैंड की इट इज़ समथिंग, तो उसको तो हम चोरी के लिए जिम्मेदार मान सकते हैं, लेकिन दूसरा बच्चा जिसने कॉपी पे चिपका लिया उसको यहाँ चिपका दिया उसको, वो बच्चे में इतनी मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन दोनों की एज एक है, तो मेंटल मैच्योरिटी बच्चे की अलग अलग, तो उस आधार पर इसको जघन्य अपराध के रूप में इस तरीके से शामिल किया जा सकता है। ये इसमें एक चेंज किया गया, इस तरह की जो घटनाएं और ये आवाज़ उठी कि 16 साल मान लेनी चाहिए एडल्ट की एज जो है, 18 से कम कर देनी चाहिए, तो ये चीज़ अभी एट प्रेजेंट ये चीज़ है इसमें। तो सर आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई किशोर से जुड़ी हुई और किस तरह से किशोर अगर अपराध करता है तो उससे किस तरह से ट्रीट किया जाता है। खैर अभी वक्त बहुत कम है और आपके पास तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारा पूरा खजाना है, हम बहुत कभी डिस्कशन इसी कर सकते हैं, फिलहाल समय का अभाव है। तो अंत में हमारे दर्शक जो प्रोग्राम देखते हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए बच्चा एक हमारी धरोहर है और वो चाहे मेरा बच्चा हो, चाहे पड़ोसी का बच्चा हो या किसी और बच्चे, कोई भी बच्चा, अगर पड़ोसी के बच्चे को मैंने इग्नोर किया जितना मुझे उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कल हो सकता है वो क्रिमिनल बन के मुझ पर कोई उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो सोसाइटी के अमन चैन के लिए हम सबको साथ चलकर, कानून अपना असर रखता है लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कानून का असर बहुत धीरे धीरे आता है, तो जब तक हम सब यूनाइट होकर इस सोच को नहीं अपनाएंगे, समाज को
बदलाव की जरूरत है। हाँ। समाज बदलेगा तो देश और बदलेगा। बस बेसिक चीज़ वही है, हमारे सोच में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। अगर हो तो इसकी गति बहुत, कोई अच्छाई की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, हमको उसका प्रॉपर रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता, अन्यथा ठीक है कानून धीरे 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 150 साल में कोई उसका असर आएगा तो आएगा, हम साथ हो जाएंगे तो हो सकता है साल दो साल में उस चीज़ का असर आ जाए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आज आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है, किशोर से जुड़ी हुई जुवेनाइल एक्ट अभी होता क्या है और किस तरह से इसमें जो प्रावधान है क्या कुछ होता है, सारी बारीकियाँ आज आपने हमें बताई प्रोग्राम में, हमें इतनी सारी जानकारी दी है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही, हमें उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी भी कोई समस्या है, कानून से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9672027779। तो अब मुझे यानी डॉक्टर नशरा खान चौधरी को दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। कानूनी बातें, कानूनी दांव पेच, न्याय से जुड़े कई सवाल, कानूनी जानकारियां जो देश के हर नागरिक को जानना है जरूरी। देखिए कानून से जुड़ा SCN का खास कार्यक्रम इंसाफ, मेरे यानी डॉक्टर नशरा खान चौधरी के साथ।